अस्सलाम वालेकुम। 1953 में चौथे नंबर पर रिलीज होने वाली जिस फिल्म का जिक्र आज हम करने वाले हैं, ये फिल्म 13 जून 1953 को हफ्ता के दिन ईद उल फित्र के मौका पर रिलीज की गई। पिछली वीडियो में हमने आवाज फिल्म का रिव्यू पेश किया था। आज की फिल्म और आवाज एक ही दिन ईद उल फित्र के मौका पर अवाम के सामने पेश की गई। तो आज जो फिल्म हम आपके लिए लाए हैं, इस फिल्म का नाम है बरखा। ये फिल्म KH प्रोडक्शन के बैनर तले पेश की गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर खादिम हुसैन ख्वाजा थे और इसकी हिदायतकारी के फराइज शेख हसन ने अंजाम दिए, जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। इस फिल्म की कहानी दो मुसन्नफीन मुशीर काजमी और शेख हसन ने लिखी, जबकि इसके डायलॉग अर्श लखनवी, ख्वाजा रिजवान और बाबा आलम स्याहपोश ने तहरीर किए। इस फिल्म के कैमरामैन रियाज अहमद थे। उर्दू जुबान की इस फिल्म की तमाम तर शूटिंग लाहौर में की गई। इस फिल्म के अदाकारों में सबीहा खानम, मासूद, शम्मी, नजर, सुल्तान खुसट, शेख हसन, किश्वर, लड्डन और सिंदबाद शामिल थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जो पहाड़ पर रहता है। इस खानदान के चार अफराद, पागल बाप अदाकार खलील, माँ अदाकारा किश्वर, बेटा बादल अदाकार शेख हसन और बेटी बरखा सबीहा खानम एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। फिल्म का आगाज बरखा के एक गीत से होता है, जहां वो पहाड़ पर अपनी सहेलियों के साथ गीत गा रही होती है। गाने के इख्तिताम पर दिखाया जाता है कि इसी इलाके का एक अय्याश डॉक्टर अदाकार सिंदबाद शहर से अपनी नई नवेली बीवी के साथ वापिस आता है, जिसका वहां एक डांसर जुगनू यानी कि अदाकारा शम्मी से पहले से एक मुआशका चल रहा होता है। उसका खास मुलाजिम नन्ना अदाकार लड्डन अपने एक खोए हुए पुराने वाकिफ सावन यानी कि अदाकार मसूद को डॉक्टर के हां मुलाजिम रखवा कर साथ ले आता है। इनके घर का मुलाजिम बख्शू अदाकार सुल्तान खुसट होता है, जिसके जिम्मा घर की देखभाल होती है और वो डॉक्टर की तमाम करतूतों से वाकिफ भी होता है। एक दिन नदी किनारे बकरियां चराते हुए बरखा को नदी में एक बांसुरी मिलती है, जिसे ढूंढते हुए वहां हीरो सावन आ जाता है, जो उससे अपनी बांसुरी वापस मांगता है। थोड़ी सी बहस के बाद बरखा उसे बांसुरी वापस दे देती है। रास्ते में वो अपने भाई अदाकार शेख हसन के साथ घर वापस आ जाती है, जहां उसकी सहेलियां उसे मेले में जाने का कहती हैं। मेले में उसकी मुलाकात दोबारा सावन से होती है और यूं उनकी मोहब्बत की इब्तिदा होती है। इधर डॉक्टर अपनी महबूबा यानी डांसर जुगनू को घर ले आता है। दूसरी तरफ बरखा और सावन की मोहब्बत परवान चढ़ती है, दोनों मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन सावन उसे बताता है कि वो उसके बचपन का बिछड़ा हुआ साथी है। बरखा की मोहब्बत ये सुनकर और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। उधर डॉक्टर जुगनू डांसर से एक और शादी कर लेता है। एक दिन बरखा और सावन प्यार के नशे में डूबे होते हैं कि डॉक्टर उन्हें देख लेता है और उनको खूब लानत मुलामत करता है, मगर उसकी बीवी जुगनू उन्हें वहां से निकल जाने में मदद देती है। डॉक्टर सावन को वहां पर खड़े खड़े नौकरी से फारिग कर देता है और बरखा पर बुरी नजर रखना शुरू कर देता है।
एक दिन अपने मुलाजिम नन्ना के जरिए वो बरखा के बारे में मालूमात हासिल करता है और नन्ना को बरखा के घर बहाने से भेजता है, जो उसकी माँ से जाकर कहता है कि वो बरखा के पागल बाप को डॉक्टर से ठीक करवा देगा और जबरदस्ती उसकी माँ के मना करने के बावजूद उसे साथ ले जाता है। बरखा के घर आने पर माँ उसे बताती है कि उसके बाप को डॉक्टर के आदमी ले गए हैं, जिस पर बरखा उसे वापस लेने जाती है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर से होती है, जो उसकी इज्जत पर हाथ डालने ही लगता है कि उसकी बीवी जुगनू आ जाती है, जो उसे लानत मुलामत करती है। इस दौरान बरखा का भाई बादिल वहां आ जाता है। बरखा उसे बताती है कि इस डॉक्टर ने हमारे बाप को जबरदस्ती उठवा लिया है। डॉक्टर उसके भाई को ना पहचानते हुए उसके आगे अकड़ दिखाता है। बादल उसे मारने को आगे बढ़ता है, मगर ये पता चलने पर कि बादिल बरखा का भाई है, डॉक्टर एक चाल चलता है और उसे अलग ले जाकर बताता है कि उसकी बहन का सावन के साथ गलत ताल्लुक है। बादिल बरखा को गुस्से में घर ले आता है और उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा देता है, लेकिन बरखा मौका पाकर सावन से फिर मिलने चली जाती है। वहां बादिल उन्हें देख लेता है। सावन और बादिल में लड़ाई होती है, जिसके नतीजे में बादल पहाड़ से नीचे गिर जाता है। बरखा और सावन भागने लगते हैं कि अचानक डॉक्टर आ जाता है, जो उन्हें पुलिस और फांसी से डराता है। फिर उनका हमदर्द बनकर लाश को अपने साथ घर ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बादल मरा नहीं बल्कि जिंदा है। डॉक्टर बरखा और सावन को कहता है कि वो अलग हो जाएं और कुछ दिनों तक ना मिलें। सावन बरखा को छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है, मगर उसकी बीवी जुगनू को पता चल जाता है, जिस पर वो उसे धमकी देती है कि वो उसे घर से निकाल देगी, जो कि डॉक्टर पहले ही उसके नाम कर चुका होता है, और उसको ये भी कहती है कि उसने अपनी साबका बीवियों को जैसे मारा वो सब पुलिस को बता देगी। इस पर डॉक्टर उसे पागल कहकर बंद कर देता है और अपने नौकर नन्ने को बरखा की माँ के पास रिश्ते के लिए भेजता है, जो थोड़ी सी टाल मटोल के बाद मान जाती है। मगर बरखा नन्ने को बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। गांव का ज्योतिषी अदाकार नजर और नन्हा मिलकर बरखा की माँ को समझाते हैं, जिस पर वो दोबारा मान जाती है और 3 दिन बाद बरखा की शादी डॉक्टर से तय हो जाती है। इधर बादल डॉक्टर के घर ठीक हो रहा होता है। साथ वाले कमरे से पानी मांगने की आवाज पर वो पानी लेकर वहां जाता है, जहां आगे डॉक्टर की बीवी जुगनू बंधी होती है। बादल के पूछने पर वो उसे डॉक्टर की असलियत और बरखा को हासिल करने का नापाक मंसूबा बताती है। बादल गुस्से में आकर डॉक्टर को मारने जाने लगता है, मगर जुगनू उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया। जी नाजरीन, तो ये था फिल्म बरखा का पहला हिस्सा। फिल्म की तवालत की वजह से आप लोग बोर ना हो, इसलिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। 24 घंटे के बाद इसका दूसरा हिस्सा जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की तिश्नगी बाकी ना रहे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बायस है। और ये भी याद रखिए कि मैं हर एक कमेंट्स के जवाब बाकायदगी से देता हूं। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो में इस फिल्म के दूसरे हिस्से के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।